जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे क्षत्रिय राजपूताना चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों की पद पदवियां, विरोध और उपाधियों के बारे में। क्षत्रियों में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। राजा को परमात्मा का रूप मानकर अवध्य माना गया है। राजाओं को नरेश, महीप, महीपति, भूपति, भूप तथा राजन्य नामों से पुकारा जाता था। राजाओं में के भी अनेक दर्जे होते थे, यथा अधिराज, राजाधिराज, महाराजा अधिराज, सम्राट, सर्वराट, एकराट, सर्वभौम, अधिपति तथा चक्रवर्ती सम्राट। ये नरेश कुछ विरोध धारण करते थे, जैसे कि नरेश चंद्र, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, विक्रमांक, विक्रमादित्य, देवराज, राव राय, राणे राय, दान गुरु, चांप गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हिंदू सूर्य, हिंदू सुरतान, परम भागवत, श्री भट्टारक, परम भट्टारक, अभिनव, भारताचार्य आदि। इसके अतिरिक्त प्रजा राजा को अन्नदाता, माई बाप, श्री जी, ठाकुर जी, धर्म अवतार आदि विरदों से सम्मानित किया करते थे। कुछ विशेष वंशों के कुछ विशेष विरोध भी निश्चित थे, जैसे भाटी वंश के नरेशों के रावल या महारावल, सिसोदिया नरेशों के रावल, राणा, महाराणा या शाह, हाड़ा नरेशों के राव या महाराव, राठौड़ों के कमध्वज, कछवाहों के कूर्म, परिहारों के राणा या जाम व झालाओं के राजराणा। राजाओं से छोटे सरदारों को उपराज, सामंत, महासामंत, जागीरदार, ठिकानेदार, प्रतिहार, महाप्रतिहार, गढ़पतिया, किलेदार तथा ठाकुर कहा जाता था। कोई गांव या क्षेत्र खालसा हो जाने पर वहां के सरदारों को भौमिया सरदार कहा जाता था। राजाओं के पुत्र को राजपुत्र, राजकुंवर, राजकुमार या महाराजकुमार कहा जाता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। उनकी स्त्रियां ससुराल में ठकुरानी जी कहलाती थी, कुंवर की पत्नी कुंवरानी जी कहलाती थी, विधवाएं माँ जी या माता जी कहलाती हैं। राजाओं की स्त्रियां रानी या महारानी कहलाती हैं। राजपूतों की वर्तमान उपाधियां इस प्रकार हैं। पहला ठाकुर, अर्थात जिसके माता पिता, दादा दादी सभी स्वर्गवासी हो चुके हैं और अपनी जमीन जायदाद का वह स्वयं ही स्वामी है। ठाकुर का अर्थ ही स्वामी होता है। मंदिर की मूर्तियां भी ठाकुर जी ही कहलाती हैं। दूसरा कुंवर, अर्थात जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों जीवित हो, उसे कुंवर कहा जाता है। तीसरा भंवर, अर्थात जिसके दादा दादी में से कोई एक या दोनों जीवित हो। चौथा टंवर या टंवर, जिसके परदादा या परदादी में से कोई एक या दोनों जीवित हो। राजा के बड़े पुत्र को पांडवी, कुंवर या टिकायतों कहा जाता है। इसके अतिरिक्त चौधरी वर्मा या वर्मन, सिन्हा भी राजपूतों की उपाधियां हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये ऐतिहासिक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर